नमस्कार, मैं हेमलता आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। दिल्ली में आज के दिन हुए थे सिलसिलेवार बम ब्लास्ट। 13 सितंबर 2008 को आतंकवादियों ने देश की राजधानी दिल्ली को निशाना बनाया था। उस दिन आतंकियों ने सिलसिलेवार 5 स्थानों पर बम ब्लास्ट किए थे। इनमें गफ्फार मार्केट, ग्रेटर कैलाश और कन्नौट प्लेस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल थे। इन विस्फोटों में 26 लोग मारे गए थे और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जामिया नगर स्थित बाटला हाउस में एक मकान पर छापा मारा था, जहां आतंकियों और पुलिस कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। इस घटना के 10 साल बाद दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के एक फरार आतंकी 15 लाख के इनामी आरिज खान उर्फ जुनैद को गिरफ्तार कर लिया था। आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे। वैसे तो साल में 3 बार चॉकलेट डे मनाया जाता है। पहला वैलेंटाइन वीक में 9 फरवरी, दूसरा विश्व चॉकलेट डे 7 जुलाई और तीसरा 13 सितंबर को। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 13 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे है। माना जाता है कि चॉकलेट डे की शुरुआत दक्षिण अमेरिका में रहने वाले एच्टेक सभ्यता के लोगों ने 1100 ईसा पूर्व में की थी। तब से हर साल 13 सितंबर को चॉकलेट डे मनाया जाता है। चॉकलेट में थियोब्रोमिन और कैफीन पाया जाता है, जिससे शारीरिक ऊर्जा दुरुस्त रहती है। क्रांतिकारी जतेंद्र दास ने आज के दिन दुनिया को कहा था अलविदा। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास ने देश की आजादी के लिए लाहौर जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। जतेंद्र दास ने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। 14 जून 1929 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में लाहौर जेल में कैद कर दिया गया था। जतेंद्र दास ने जेल की दुर्दशा और कैदियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल करने का फैसला किया। 63 दिनों के अनशन के बाद 13 सितंबर 1929 को उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज के दिन हुआ था स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला का जन्म। नगेंद्र बाला का जन्म 13 सितंबर 1926 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला देश में जिला प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला थी। वे 2 बार विधायक भी रही। उन्होंने 1941 से 1945 तक किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वह सदैव महिला कल्याण के कार्यों से जुड़ी रही। नगेंद्र बाला प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बाराहट की पौत्री और प्रताप सिंह की भतीजी थी। 1942 के आंदोलन में नगेंद्र बाला ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन पर वे दिल्ली से अस्थि कलश लेकर कोटा आई और चंबल नदी में उनकी अस्थियां विसर्जित की। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।